बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। और डिबेट विद फखर में आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान से 70% लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं इंडियन नेशनैलिटी के लिए। इसके पीछे मतलब क्या वजूहात क्या है, क्यों करते हैं, कौन लोग करते हैं, इस मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक वॉर एक्सरसाइज चल रही है सिंजियांग चाइना में, चाइना की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइलों को भी टेस्ट कर रहे हैं। हकीकत क्या है, क्योंकि चाइना जो दिखाता है वो होता नहीं है, जो करता है वो भी कुछ और ही होता है जो वो दिखा रहा होता है हमें। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के हवाले से जो नया वेरियंट आया है COVID-19 का, तो उसके हवाले से दुनिया क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज चल रही है, और हिंदुस्तान में अभी उसकी जो नई वैक्सीनेशन मुहिम है उसका भी आगाज नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी 2022 से होने वाला है। इन सारों मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज बहुत अच्छे दोस्त सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट सुमित पीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सुमित साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपके शो के यहाँ पे आने के। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो 70% लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं इंडियन नेशनैलिटी, इसके पीछे है क्या? बिलीव मी, मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली एक बात थी मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, कोई ऐसी चीज भी नजर नहीं आई थी। बट यू शेयर द स्टोरी विद मी, तो मैंने कहा मैं आप ही से पूछू कि ये मुद्दा क्या है कि लोग अप्लाई करते हैं, कौन लोग हैं, और फिर मतलब कितनों को वहां की नेशनलिटी मिलती है या नहीं मिलती, क्या है, थोड़ा सा इस पर लाइट मतलब रोशनी डालें आप इसके ऊपर। जी देखिए फखर भाई, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। अभी पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था भाई, जो अभी नेशनलिटी मांग रहे कौन सी कंट्री है, परसेंटेज क्या है। ये एक नेशनल न्यूज बन के जब मिस्टर साहब ने खुलासा किया भाई 70% जो नेशनलिटी मांगने वाले हैं वो तो पाकिस्तानी, बाकी कंट्रियों से भी, बट 70% पाकिस्तानी है। तो अब इस पे फिर चर्चा हुई भाई, जाहिर सी बात है फखर भाई, ये कौन लोग है, क्यों मांगते हैं। जो मैंने इसका एनालिसिस किया और जो मैंने इस पे मतलब इधर उधर से जानकारी इकट्ठे की है, पहली बात क्या, देखिए अगर पाकिस्तानी के लिए जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता जो माहौल है दुनिया में अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में। देखिए बॉर्डर के इस पर पाकिस्तान है, इस पर हिंदुस्तान है, कल्चर डीएनए हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सेम है, तो लैंग्वेज सब कुछ सेम है, ज्यादा फर्क नहीं लगता जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इकोनॉमीज में कंपैरिजन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज में आजकल कंपैरिजन नहीं है। बॉलीवुड देखे आप, अदनान सामी वाला केस देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका आप केस देख सकते हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। अगर पीछे पाकिस्तान के एक्टर्स को बोला भाई आप बॉलीवुड छोड़िए, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं अगर हमें नेशनलिटी मिल जाए तो ये वर्क परमिट का लफड़ा ही खत्म, हम पासपोर्ट ही बदल देते हैं। तो इसकी जो चीजें हैं कुछ तो है इकोनॉमिकल भाई, अच्छा अपॉर्चुनिटी अच्छी चीज, अब आपको यूनिकॉर्न लगाना, दुनिया में सबसे बढ़िया यूनिकॉर्न अभी यहाँ लगता है। देखिए हमारे पास 72 यूनिकॉर्न है, महीने में 2 यूनिकॉर्न जोड़ रहे, यूनिकॉर्न का मतलब इसकी 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है। एक और चीज करूँ, आज एक और आंकड़े का खुलासा हुआ था फकीर भाई, $36 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टअप्स को मिले इंडिया में, $36 बिलियन केवल स्टार्टअप्स को। तो अब रिपैट्रिएशन $100 बिलियन की, $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और IMF तो बोल ही रहा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कल परसों ने नहीं बोला कि 3 साल तक चाइना की इकोनॉमी अब चलेगी नहीं, ये IMF का बयान है जो आपको बोल रहा हूँ। अब इस सब चीज को होते हुए भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान जैसा ही ऑलमोस्ट, और कल्चर लगभग वही है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया है वो एक नेचुरल ऑप्शन बन के उभरता है। एक तो ये साइड, कुछ लोग हमारे यहाँ मानते हैं और कुछ आपके यहाँ भी से मैं बात करता हूँ, उनकी क्या नाम है उनका, जो बड़े नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भी खैर तारिक फतेह साहब, सॉरी तारिक फतेह एक ट्वीट किया था, बोलता भाई ये आधे लोग तो ISI इनको अप्लाई करा रहा है कि इधर उधर से पड़े वहीं बैठ के रहो, वहीं बैठ के काम करना, एक स्कूल ऑफ थॉट। और मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो अभी यूनिकॉर्न का अगर हम खर्चा देखें, अपॉर्चुनिटी देखें, सबसे ज्यादा इंडिया नंबर 3 हो गया यूनिकॉर्न्स पे वर्ल्ड में, और बिलियनियर्स बना रहे हैं साल में, विल सून ओवरटेक चाइना, US में नंबर 1 वर्ल्ड में, अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी फखर भाई, जैसे ये 5-6 ट्रिलियन आएगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया की हर यूनिवर्सिटी यहाँ होगी, हर बंदा यहाँ की स्टूडेंट लेने की होड़ लगाएगा। क्यों? रीजन्स आर इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकली स्टेबल है, और एक और बात मैं बताऊँ,
अब हिंदू की पाकिस्तान में क्या लाइफ है, क्या सिक्योरिटी, आपको पता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। पर अगर हम यहाँ मुसलमान की बात करें, दुनिया में सबसे नंबर टू हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, रिप्रेजेंटेशन है, आईएएस आईपीएस हर जगह है। यहाँ के मुसलमान को भाई साहब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यही मुसलमान जब परिकल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, यार अगर मैं अफगानिस्तान में पैदा होता, वो बेचारा भी तो मुसलमान है, उसकी हालत आप देख ही रहे क्या है। सीरिया की बात करें, सूडान की बात करें, काफी नाइजीरिया की बात करें, उसके हिसाब से यहाँ का जो मुसलमान है 100% सेफ, सुरक्षित, पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये जो एक धारणा दुनिया में बनाई गई, भाई इंडिया इज हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, हाँ 85% हिंदू पॉपुलेशन है, पर जितना सेफ अगर भाई मुसलमान यहाँ पे, जितनी अपॉर्चुनिटीज उसको यहाँ पे है, उतनी और कहीं नहीं। एंड वी आर अ सेक्युलर कंट्री, हम इस्लामिक कंट्री, हिंदू कंट्री नहीं है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ये सब चीजें ओवर द टाइम मैग्नेट बन रही है, लोगों को प्रोपोगंडा करना होता है जी ये हो रहा है, एक छोटा मोटा इंसिडेंट लेके कुछ बोल देते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर आकलन करें, मैं आज भी कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कल इंडियन गवर्नमेंट बोल दे हर पाकिस्तानी के लिए सिटीजनशिप खुली है, मैं 5,000 सिटीजनशिप देता हूँ, आपके यहाँ का हर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हर पूंजीपति यहाँ अप्लाई कर लेगा सर, गारंटी ले वालो मुझसे, क्योंकि मैं खुद ये नंबर देख के हैरान हुआ फखर भाई, मेरे को ये आइडिया नहीं था, मैंने कहा यार ये मतलब क्या हो रहा है ये तो। बट जब इसका एनालिसिस किया, ये रीजन सामने आते हैं। अच्छा, एक तो आपने सुमित भाई आपने एक बात बताई स्टार्टअप्स के हवाले से, कि वो मतलब शायद 36 बिलियन US डॉलर एक साल में उनको, मतलब मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स थे उनको अर्निंग्स हुई, हालांकि हमारे पास टोटल जो फॉरेन रिजर्वायर्स है दैट इज शायद अभी कम होकर 16 अरब डॉलर के आसपास रहे थे अभी कुछ दिन पहले की, मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो एक बहुत मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो ऐसी क्या पॉलिसी है कि जिसकी वजह से जो मतलब स्टार्टअप्स है वो आ रही है, और सेकंड थिंग इज कि वो फिर अर्न कर रही है, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि मतलब बाकी दुनिया के पास नहीं है और हिंदुस्तान की हुकूमत उन लोगों को दे रही है को फ्लारिश कर रहे हैं? ये हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिव क्वेश्चन है। देखिए सियासत पे तो रोज बातें होती रहेंगी। अब यहाँ हमने एक मोदी जी ने चलाया था स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, ये एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया, काफी सारे इनिशिएटिव्स, अगर आप देखें आत्मनिर्भर भारत, जिससे कि इंडिया में बनाओ, प्रोडक्शन करो, स्टार्टअप्स को एक लोन मिलता है। अब हमने एक स्मॉल स्कीम निकाली थी मुद्रा योजना, मुद्रा योजना वो है जिसमें लेडीज को लोन मिल रहा है, 65% जिनको लोन मिला है वो लेडीज है। अभी हमने निकाली एक आवास योजना, भाई गरीब लोगों को घर देना, यूपी यूपी में 30 लाख लोगों को घर मिला, 85% लोग जिनको घर मिला जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हो वो लेडीज है। अब ये तो रहे छोटी एंटरप्रेन्योरशिप, अब बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 650-700 के आसपास है, आपको चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सबसे बड़ा मार्केट यहाँ है, सबसे ज्यादा मैन पावर, आप लैंड की बात करें, रिसोर्स की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, स्किल मैन पावर की बात करें, पोर्ट सी पोर्ट, और पॉलिटिकली स्टेबल है, सब कुछ है। अब जब एक इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2024-25 में महाराष्ट्र अलोन विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, केवल महाराष्ट्र, नंबर टू यूपी आता है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल बहुत है, मैं रिटेल की बात करूं, रिटेल का अभी जो वैल्यूएशन है इंडियन का वो है अराउंड $500 ट्रिलियन सर, 10 years डाउन द लाइन इंडियन रिटेल इज वैल्यूड एट $3 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन केवल रिटेल। अब जैसी ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर और प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में, तो जो पूरा एनवायरनमेंट है और जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से ही जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है, इसीलिए लोग यहाँ आके यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। देखिए चाइना का ऑप्शन खत्म हो गया, चाइना के साथ कोई काम नहीं कर सकता, वहां जैकमा गायब हो जाता है, 150 बिलियनर गायब है वहां पे। यूएस का एक सैचुरेटेड मार्केट सा है, मतलब एक पीक कर चुका है मैं बोलूंगा, अगर आप मार्केट देखे तो तीसरा मार्केट और सबसे स्टेबल मार्केट इंडिया ही बचता है, और यहाँ वो सब चीजें आपको मिल रही है। और हमारा इंटेंशन तो हमेशा, मैं कहता हूँ आपसे शो पे, आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ और बड़ा जोर देके कह रहा हूँ, लड़ाई बड़ाई मरने मारने में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर करनी है डेवलपमेंट में करो, रेस करनी ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में करो, ह्यूमन रेस होनी चाहिए डेवलप, कंपटीशन अच्छा है, डेवलपमेंट में हो, एजुकेशन में हो, प्रोडक्टिव सकारात्मक चीजों में, ये मरना मारना बम बंदूक मिसाइल धमाके इनमें सर अल्टीमेटली कुछ रखा नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन।
अच्छा सुमित भाई, एक तो मतलब ये वाला बिल्कुल आपने, क्योंकि जिस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ज्यादा होती है और नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे होते हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ की मार्केट बेहतर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बहुत जबरदस्त है। सर दूसरी तरफ मतलब चाइना की हम बात करें, इकोनॉमी तो आपने उसकी कर ली, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हमने बात की, पाकिस्तान पे भी हमने बात थोड़ी बहुत की, लेकिन अब सिंकियांग में एक वॉर एक्सरसाइज चल रही है और वहां पे वो कह रहे हैं कि हमने मतलब जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शायद हम बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसको हम हिट कर सकते हैं। क्या मतलब इसके पीछे क्या है कि कुछ दिनों बाद ये नई कोई चीज इस किस्म की आ जाती है और दुनिया को दिखाने के लिए वीडियोज आ रही है और मुख्तलिफ किस्म का हल्ला गुल्ला, हकीकत क्या है इसकी? देखिए फखर भाई, बहुत मुफीद सवाल पूछा आपने। अच्छे सवाल तो हमेशा पूछते हैं, पर पॉइंटेड सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, अगर आप डिफेंस का डॉक्ट्रिन देखें, किसी भी कंट्री का डिफेंस डॉक्ट्रिन देखें, सरप्राइज इज द बिगेस्ट वेपन। सरप्राइज, मुझे ये नहीं पता कि आपके क्या पास क्या है, कहाँ कैसे रखा। पीछे उन्होंने एक मिसाइल, एक फोटो रिलीज की, ये हमारे जी मिसाइल साइलोज है। कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करते हैं, कभी आपको आपको ड्रोन दिए तो उसमें मिसाइल दिया था, वो तारे के तालिबान वालों पर आपने चला, वो फटा ही नहीं। तो देखिए प्रॉब्लम ये होती है, जो नकल करा हुआ आर्सेनल होता है ना, रिलायबिलिटी इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। देखिए कॉपी नेवर बी एज गुड एज ओरिजिनल। फर्क क्या है? देखिए चाइनीज फोन एक एप्पल फोन में क्या फर्क है? रिलायबिलिटी। एक चाइनीज लैपटॉप में और मेन लैपटॉप में क्या फर्क है? रिलायबिलिटी। चाइना आज तक दुनिया में गाड़ी बना पाया, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल छोड़िए फखर भाई, गाड़ी है चाइना की, टोयोटा चलती है, अमेरिकन गाड़ी चलती, चाइना की गाड़ी नहीं चलती। आपके घर में चाइना का माइक्रोवेव नहीं है सर। मैं सुमित भाई, एक आजकल पाकिस्तान में 2-3 कंपनीज ने चाइनीज गाड़ियां बनानी शुरू की, यकीन करें मुझे लोग कहते यार, मैं कहता तो मुझे नहीं पता यार, मैं मतलब इतना कोई ज्यादा शौक भी नहीं रखता, लेकिन मैंने कहा टोयोटा होंडा और इसके अलावा, मैंने कहा यार एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है मतलब मेरे लिए कि यार इसके अलावा भी कोई है। मतलब मेरे पास आईफोन है तो मैं कहता हूँ यार आईफोन ही है, मुझे चाइना का फोन नहीं चाहिए। बाकी चीजें मैं कहता हूँ यार, अगर मुझे जापान या मलेशिया की भी मिलती है मैं लूंगा, लेकिन चाइना वाली मैं नहीं लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिंगापुर में रहता था तब उन दोनों एक गाड़ी आई थी फखर भाई, गिली, ये $30,000 की गाड़ी थी। पूरे सिंगापुर में हंगामा मच गया, 30,000 की चाइनीज गाड़ी सर 6 महीने में गायब हो गई। मुझे बताइए, जो कंट्री गाड़ी नहीं बना पाई आज तक, माइक्रोवेव नहीं बना पाई आज तक, एक दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाया जो दुनिया को डोमिनेट करे टेक्नोलॉजी से। बाय एग्जांपल है, अब 10 रुपए की चीज अगर कोई 2 रुपए में बेच रहा हो तो दुकान मंडी में तो लोग आ ही जाएंगे लेने। बट अब चाइनीज वैक्सीन का आपने देखी लिया क्या हाल है। अब ये चाइना का जो बड़ा वेपन होता है वो है परसेप्शन। आप देखिए S-400 इंडिया के पास आ गए, टेक्निकली हमने बात करी S-450, रफेल की डिप्लॉयमेंट हो गई, सुखोई में ब्रह्मोस लग के सारी जगह डिप्लॉय हो गया। अब ये जो S-400 जो अभी सुनने में आया पंजाब के साइड डिप्लॉय होगा, जो पहली बैटरी आगे डिप्लॉय हो रही। अब चाइना को ये दिखाना भाई हम करें क्या, ये मिसाइल दिखा दो, टेस्ट करा लो, ये करा लो। अगर आप डिफेंस स्ट्रेटजी के हिसाब से किसी भी डिफेंस एनालिस्ट को आप पूछेंगे, बोलेंगे आप आर्सेनल तो दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, मैं क्यों बताऊं आपको क्या है। अब इंडिया ने S-400 लाया और रफेल आ गया। रफेल में एक मिसाइल है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो सिर्फ इंडिया को बेची जाएगी, बहुत महंगी मिसाइल है, मेरे हिसाब से कई 100 करोड़ की एक मिसाइल है, सिर्फ इंडिया को बेची जाएगी वो दुनिया में, और उसका 600 किलोमीटर रेंज है। जब ये आर्सेनल डिप्लॉय हो रहा है, अब उनको परसेप्शन की वर्ल्ड में कि भाई अब चाइना ने तो ये, मैं भाई सुपर पावर हूँ, अब यहाँ टेस्ट कर लिया, वहां टेस्ट कर लिया। मुझे एक बात बताइए फखर भाई, दिल पे हाथ रख के ईमान से मैं एक बात बताता हूँ, आप भी बताएंगे, कैन यू विन अ वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड? यू कैन नॉट। फैक्ट ये है, लॉजिक ये, इंडिया इज अ न्यूक्लियर ट्रायड। आप क्या जीत रहे हो, किसको डरा रहे हो, कौन सी मिसाइलें छुड़ा रहे हो, वही वाली बात है। आप अपने घर के छत पे खड़े होकर फुलझड़ियां जला रहे हो कि ये देखो जी, तो मैं कहा मैं की करना पाजी, जलाओ और जलाओ, एक तो रॉकेट भी छोड़ दो। मतलब ये बचपने वाली हरकतें जो है ना, ये आपको जो आप दिक्कत कह रहे हो, चाइनाज मीडिया है जो एनालिस्ट है, ये कहीं भाग जाते नहीं, दुनिया जाए घूमे देखे। अब इनको जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया वही सच्चाई, अगर वो दिन को रात वो है तो रात कहेंगे, वो एक हिंदी में गाना था, तुमको जो पसंद हम वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। जबरदस्त बिल्कुल सही है। अच्छा सुमित भाई, एक मतलब ओमिक्रोन के हवाले से, मतलब इस वक्त दुनिया में इस्लामाबाद में भी आज एक केस रिपोर्ट हुआ है, हिंदुस्तान में भी हुए, बल्कि अब तकरीबन दुनिया के मोस्टली ममालिक में उसके केसेस आ रहे हैं, उसकी नई वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। यहाँ हमारे यहाँ अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि बूस्टर शॉट्स लगेंगे और पता नहीं शायद यहाँ पे भी जनवरी या फरवरी से होंगे। क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से, अभी हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है वैक्सीनेशन वगैरह और बाकी चीजें?
देखिए फखर भाई, अभी इनफैक्ट अपने शो से करीब 15 मिनट पहले मोदी जी लाइव आए थे, तो दो चार अनाउंसमेंट्स की है। ओमिक्रॉन के करीब 450 केस अभी कंट्री में, जिसमें से 115 लोग ठीक हो गए। अभी तक ऊपर वाले का शायद करम है कि जो केस है माइल्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन की वर्ल्ड में ओवर में जरूरत नहीं पड़ रही अभी तक। अभी कुछ कही जा सकता पता नहीं। तीन चार चीजें अनाउंस की। पहला चीज अनाउंस की नेजल वैक्सीन जो नाक में डलेगा वो जल्दी आ रही है। दूसरा अनाउंस किया है कि एक डीएनए वैक्सीन, अभी जो हमारा कोविशील्ड हो रही है एमआरएनए वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे 3 जनवरी से, मतलब आज से कुछ 5-8 दिन आगे, अगले सोमवार को 15 से 18 साल के जो बच्चे उनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। और 10 जनवरी को जो उसका अगला सोमवार है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो ये डॉक्टर्स वगैरह है, पुलिस है, ये सब हेल्थ वर्कर्स है, उनको हम कह रहे हैं उसको बूस्टर नहीं, हम कह रहे हैं प्रिवेंटिव डोज। एक उनको जो 60 साल के ऊपर बंदे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, अगर उनका डॉक्टर उन्हें एडवाइस करता तो उन सब के लिए ये डोज मुहैया होगी। अभी आज के डेट में 1,41,00,000 डोजे लग चुकी है। 61% पॉपुलेशन को सेकेंड डोज भी लग चुका और 90% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुका है। ये है बिल्कुल फैक्ट फिगर और डाटा एज वी टॉक एंड एज ऑन टुडे, 5-10 मिनट पहले का डाटा है ये। एक इम्पोर्ट उन्होंने बहुत अच्छी चीज एक बोली बोली, देखिए घबराना और ये फेयर मॉन्गरिंग, कुछ लोग पैरानोया के बिजनेस में होते हैं, डर फैलाने के बिजनेस। तो फखर भाई सीधी सी बात बताओ, आपको जब करोड़ों डॉलर लगे हो ना कहीं पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल हो, सीधी सी बात बताओ, अगर बूस्टर डोज आज अनाउंस होता, 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, $10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, $5, तो कितना बड़ा $70 बिलियन का जहाँ खेल हो, वहां कुछ भी हो सकता, कोई भी चीजें आ सकती है, लाई जा सकती है, जादू हो जाते हैं जी। लास्ट में हमने बात की वो जुनू वाला दूसरा जादू, ये कमर्शियल जादू हो जाता है। मैंने कहा था मोदी जी 5 बिलियन डोज देंगे तो WHO ने अप्रूवल दे दिया, पहले 6 महीने से लटका रखे थे। अरे भाई ऐसे ऐसे 24 घंटे में क्या कर दिया? पहले यू कहता भाई तुम्हारा कोवैक्स नहीं चलेगा, जयशंकर फोन करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। मतलब अगर 70 बिलियन टेबल पे हो, 50-70 बिलियन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक हमें इशारा किया, ये सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। भाई घबराना नहीं है, आप साइंटिफिक बेसिस और लॉजिक पे चलिए, क्योंकि कुछ लोग का काम है डर बेचना। Exactly. और सर आपने बात की घबराना नहीं, तो ये घबराने वाली जो है ना, ये इमरान खान की लोगों ने चिड़ बनाई हुई है पाकिस्तान में, आपने घबराना मैंने कहीं जाना नहीं, कहीं वो वाली बात मोदी जी लेना शुरू कर दियो ऑन अ लाइट नोट कह रहा हूँ। इमरान खान साहब के वो जो उनसे ही लाइनें चुराई थी, घबराना नहीं आपने, वो तो कह रहे आपने घबराना नहीं, मोदी जी का जो डर फैलाने का काम करते, जो भ्रम फैलाने का और अफवाह फैलाने का काम करते, और हम जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। और फैक्ट देखिए, सबसे अच्छी बात क्या फखर भाई, फैक्ट फिगर और डाटा के साथ आता है, वैक्सीन बने इतना लगेगा, इससे लगे चालू है। और मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो ओमिक्रॉन का जो मेरा पर्सनल एनालिसिस, जितना मैंने डाटा देखा जी, जी मुझे लगता है ये अभी इतना डेंजरस नहीं है, डेल्टा से ये कम डेंजरस है, जो मेरा पर्सनल। गुड। और दूसरी बात मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ फखर भाई, जो आपको कोई नहीं बोलेगा, आज मैं किसी भी दवाई वाले से, एक कंपनी से पूछता हूँ, भाई साहब एक बात बताओ, आपके वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है अगेंस्ट ओमिक्रॉन, जवाब देने को फखर भाई। Yes. कारण आपने बता दिया क्यों। अगर आज मैं बोलता हूँ 50% है, जो मैं मानता हूँ 40-50% 60% कुछ ना कुछ है जरूर है, ऐसा नहीं। पहले कोविड आया था हमारी रेजिस्टेंस जीरो थी, आज हमारी 50-60-70% कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लग गया, ओवरऑल एज ए ह्यूमैनिटी वी कैन फाइट। तब क्या है, तब क्या, अगर आज मैं बोलूं जी मेरे वैक्सीन की एफिकेसी फखर भाई 70% है, तो बूस्टर का मार्केट खत्म, बूस्टर का मार्केट खत्म। बिलियन डॉलर छोड़ गए, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, आज भी, एक हफ्ते बाद भी, दो हफ्ते बाद भी, कोई इसका आपको आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देगा। दाए बाए, जब 70 बिलियन डॉलर 50 बिलियन डॉलर टेबल पे हो, तो हवाएं बनाई जाती है, तूफान उड़ते हैं, रेत के महल बनते हैं और आसमान में रहते हैं। सर वो वाली बात है कि मैंने नोट पे कहा मेरा मूड बने, तो फिर नोट का मूड तो फिर लाजमी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दुनिया इसी तरीके से चल रही होती है, दुनिया चलती है ऐसे। अब फार्मा का मार्केट तो 7 ट्रिलियन डॉलर का है, CAGR 10.25% है, वर्ल्ड का अराउंड 96% 96 ट्रिलियन का GDP, जिसमें फार्मा इज अराउंड
10% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस तो बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब वेपन से शायद बड़ी मार्केट है या उसके बराबर की मार्केट है, तो ये तो लाजमी सी बात है। असला तो शायद हर कोई ना खरीदे, लेकिन वैक्सीन तो सबको जरूरत पड़ेगी, वो तो बेचक बेचारे के पास कुछ भी नहीं है फिर भी खरीदेगा। ना फखर भाई, जिंदगी में 99% चांसेस जो आपके मिसाइलें रखी हो कभी यूज नहीं होती, बट जो दवाई है वो रोज होती है, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। नो डाउट आपकी बिल्कुल सुमित भाई, बिल्कुल सही आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और घबराने वाली जो बात आपने की, तो सर हम तो बहुत सख्त घबराए हुए हैं, मुझे नहीं पता मोदी जी ने जो कहा है वो बेचक वो उसकी बात उनकी बात जो है वो ठीक होगी, कि वो जो वो कह रहे नहीं घबराना तो इसका मतलब वो लोग नहीं घबराएंगे, लेकिन खान साहब तो हमें कहते हैं नहीं घबराना, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि मतलब अब घबराना क्या, रोने धोने में आए हुए। तो खैर एनीवे ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू वेरी मच आपने शो को ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, नमस्कार, थैंक यू सर।